जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो, आपका हर दिन ईद के दिन से कम न हो, ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो जिसमें कोई दुख और कोई गम न हो। आप सबको नितेश रमन की तरफ से बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बकरीद, जिसे आप ईद-ए-कुर्मा भी कह सकते हैं, ईदल अधा भी कह सकते हैं, सारे त्योहारों की तरह ये त्योहार भी बड़ा खास है। आइए इस बारे में कुछ बात करते हैं। कुर्बानी क्यों किया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई? एक नबी जिनका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, उन्होंने ख्वाब देखा कि उनका रब उनसे किसी ऐसे चीज की कुर्बानी मांग रहा है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सुबह वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से ख्वाब का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि मेरे सबसे ज्यादा अजीज तुम ही हो, क्या तुम इस ख्वाब को पूरा करने में मेरा साथ दोगे? हजरत इस्माइल बिना कुछ सोचे रब की रजा और वालिद के उस ख्वाब की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटा बाप से बस इतना भर कहता है कि आप छुरी को तेज कर लीजिएगा। खैर, जैसे ही बेटे की गर्दन पर छुरी जलाने जाते हैं, रब उसी वक्त उनकी कुर्बानी कबूल कर लेता है, क्योंकि रब को अपने इस बंदे की नियत का इम्तहान लेना होता है और बंदा अपने इस इम्तहान में पास हो जाता है। फिर आसमान से चारपाया जानवर फरिश्तों द्वारा भेजा जाता है। फरिश्ते कहते हैं, आप अपने लाडले को हटाकर इस जानवर को जबह कर दीजिए, और वही किया जाता है। आज मुसलमान नबी की नियत पाक को, नबी की मोहब्बत और रब को खुश करने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। लेकिन एक बात तय है, अल्लाह कल भी नियत को ही देखा था और आज भी नियत को ही देखता है। आइए ईद उल अजहा का ये त्योहार शांति और अमन भाईचारे के साथ मनाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद।